गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, अभी क्या लेसन हो रहा? संत वाणी, संत वाणी लेसन हो रहा ना, जो है 15th लेसन। संत वाणी, संत वाणी मतलब अच्छे बातें, अच्छी बोली। तो हम तुलसीदास और रहीम के दोनों के दोहे पढ़ लिए, आज कबीर दास के दोहे पढ़ेंगे। कबीर दास के दोहे पढ़ेंगे आज, ओके? देखो पेज नंबर 34 निकालो सर, टेक आउट पेज नंबर 34 चिल्ड्रन। हाँ, ये देखो कबीर दास के दोहे, कबीर दास के दोहे। दुर्लभ मनुष्य जन्म है, देह ना बार बार, तरवर ज्यो पत्ता झड़ई, बहुरी ना लगे डार। देखो दुर्लभ मानुष जन्म है, देह ना बार बार, तरवर ज्यो पत्ता झड़ई, बहुरी ना लोगई डार। देखो तो अब मैं इसका एक्सप्लेनेशन करूँगी। दुर्लभ मानुष जन्म है, मानुष मतलब मनुष्य, ह्यूमन बीइंग, हम आम आदमी को मनुष्य बोलते हैं ना, मनुष्य लोग। मनुष्य का जन्म दुर्लभ है, क्योंकि अब एक बार हम कुछ हो गया तो हमको फिर रिपीटेड जन्म नहीं मिला, समझ गए? हमारा लाइफ एंड हो गया तो फिर से स्टार्ट होता क्या? नो, अब हम मर गए, अरे अब कुछ हो गया हमको तो फिर से हम नॉर्मल हो सकते? नो, दुर्लभ मानुष जन्म है, देह ना बार बार। अगर मनुष्य का जन्म दुर्लभ है, जो बार बार प्राप्त नहीं होता, समझे? अब एक बार कुछ हो गया वो आदमी को तो हो गया खत्म, फिर वो बार बार आता क्या? अपने भी घर में कितने सारे लिए, दादा दादी नानी जो मर गए, यस, क्या उन लोग फिर वापस आते? नहीं, मानुष का जन्म दुर्लभ है, जो दोहरा नहीं जाता, बार बार नहीं आता। जैसे तरवर जो पत्ता झड़े, तरवर मतलब पेड़, प्लांट्स, ट्रीज, जब उसके पत्ते निकल जाते क्या वो पत्ते फिर से जुड़ सकते? नहीं ना, नहीं जुड़ सकते। तो इसीलिए ह्यूमन मनुष्य का जन्म भी वैसा ही है, एक बार अगर मृत्यु हुआ तो फिर से जन्म नहीं हो सकता। इसलिए अपना लाइफ अपन को वेस्ट नहीं करना, अपना लाइफ हम अच्छे से जीना। देखो दुर्लभ मानुष जन्म है, देह ना बार बार, तरवर ज्यो पत्ता झड़ई, बहुरी ना लोगई डार। सो कबीरदास जी क्या कहते हैं? देखो कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य का जन्म दुर्लभ है, बार बार आसानी से प्राप्त नहीं होता, आसानी से मनुष्य का जन्म प्राप्त नहीं होता। इसका उपयोग करना चाहिए, किसका? अपने जीवन का, अपने जन्म का, मतलब अपने लाइफ का अच्छे से उपयोग कर लेना, उसको व्यर्थ नहीं करना। चलो कुछ भी नहीं होता, ऐसा अब कुछ भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, हम लाइफ में कुछ बन के दिखाना। क्यों? एक बार शरीर नष्ट हो जाए तो कुछ नहीं कर सकते। एक बार अगर हमारा शरीर नष्ट हो जाए मतलब हमारी मृत्यु हो गई तो हम कुछ कर सकते क्या? हम सोच लेते हैं चलो बाद में करेंगे, चलो थोड़े दिनों के बाद करेंगे, थोड़े महीने के बाद करेंगे, मगर एक बार अगर हमको कुछ हो गया तो हम फिर से वो काम कर सकते हैं? वही तो बोल दुर्लभ मानुष जन्म में, देह ना बार बार, मतलब कबीरदास जी कहते हैं मनुष्य का जन्म दुर्लभ है, बार बार आसानी से नहीं मिलता। तरवर जो पत्तियां झड़ई, बहुरी ना लोगेदार। जैसे तरवर पेड़ पे पत्ता लगता है, पेड़ का पत्ता निकल जाता है, हाँ,
वो निकल जाने के बाद फिर से वो पत्ता लगता है? नहीं लगता, वो जगह में नया पत्ता आता, मगर पुराना पत्ते को हम फिर से उसको लगा सकते हैं? नहीं। सेम मनुष्य का लाइफ भी वैसा ही है, जितना टाइम है उतना ही टाइम में लाइफ को अच्छे से देख लेना, वेस्ट नहीं करना, क्योंकि एक बार अगर लाइफ गया तो फिर से नहीं आता। एनी चांस ओके। देखो मैं और एक बार पढ़ाती हूँ। दुर्लभ मानुष जन्म है देह ना बार बार, तरवर ज्यो पत्ता झड़ई बहुरी ना लोगे डार। तो कबीर दास जी कहते हैं मनुष्य का जन्म दुर्लभ है, बार बार आसानी से प्राप्त नहीं होता, इसका उपयोग करना चाहिए, इसे व्यर्थ नहीं करना चाहिए। एक बार शरीर नष्ट हो जाए तो कुछ नहीं कर सकते। तो कबीरदास जी बोलते कि अपना लाइफ बार बार नहीं आता, मनुष्य का जन्म दुर्लभ है, वो लाइफ बार बार नहीं आता। एक बार अगर वो व्यर्थ हो गया, नष्ट हो गया, तो फिर से मिलता नहीं मिलता। अब हमारे पास सपोज एक चौक पीस है, ये क्या करने के लिए? बस लिखने के लिए। इसको नहीं लिख के और वैसे ही छोड़ देते, नीचे झाड़ू में चले जाता, नहीं तो टूट जाता, टुकड़े हो जाता, फिर से हम उसको जुड़ा सकते नहीं। कुछ भी चीज होने दो, कोई भी चीज होने दो, उसको व्यर्थ नहीं करना, क्योंकि एक बार नष्ट हो जाने पे वो फिर से नहीं मिलता। मनुष्य का जीवन भी वैसा ही है, इसीलिए अपना जीवन को व्यर्थ नहीं करना। समझ गए बच्चों? अब दूसरा वाला, दूसरा दोहा पढ़ेंगे। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगा, बहुरी करोगे कब। देखो फिर से, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगो, पल में परलय होएगो, बहुरी करेगो कब। मतलब अब देखो कबीर दास जी अपने को दूसरा दोहा बोल रहे हैं, दूसरा दोहा बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? काल, साल मतलब कल, टुमोरो। काल करे सो आज कर, कल करने का आज कर, आज करे सो अब, आज करने का काम अब कर। क्यों क्यों बोल रहे कबीर दास जी ऐसा? कल करने का काम आज करो, आज करने का काम अब करो, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। क्यों बोल रहे? पल में परलय हो जाएगा, क्योंकि नहीं मालूम सेकेंड्स, बीते सेकेंड्स क्या हो जाता नहीं मालूम। परलय, परलय मतलब प्रलय आ जाता, एथवेट आ सकता, सुनामी आ सकता, उनका कुछ भी हो जा सकता। तुमको मालूम है क्या इस दिन भर क्या रहता? नहीं मालूम। व्हाट हैपेंस इन द नेक्स्ट सेकंड, किसी को भी नहीं मालूम। यस, पल में परलय हो जाएगा, बहुरी करेगो कब। अगर ऐसा नहीं मालूम अब कल क्या होने वाला है, आज क्या होने वाला है, अब क्या हो रहा है, थोड़ी देर में क्या होने वाला है, किसको मालूम? नहीं मालूम। पल में विद इन सेकेंड्स कुछ भी हो सकता, प्रलय आ सकता, प्रलय मतलब सुनामी, भूकंप, ऐसे नेचुरल कैलामिटीज को प्रलय हो। इसलिए कबीर दास जी बोलते काम को देर नहीं करना, काम में काल करे सो आज कर, कल करने का आज कर दो काम, आज करे सो अब, आज करने का काम अभी कर लो, क्योंकि पलने पर नहीं हो जाएगा, नहीं मालूम नेक्स्ट कब प्रलय आ जाएगा, इतना सा पल में एक सेकेंड में हो जा सकता। बहुरी करेगो कब, कर वैसा हो गया तो तुम्हारा काम कब खत्म करोगे, नहीं कर सकते ना। देखो तुलसीदास जी कहते हैं कभी कभी काम को कल के लिए टालना नहीं चाहिए। अगर हमारा कुछ काम है, चलो बाद में कर लेंगे, चलो कल कर लेंगे,
मैं तो थोड़ी देर के बाद कर लेंगे, काम को नहीं टालना चाहिए। कल का काम आज, आज का काम अभी करना चाहिए। कल का काम आज, आज का काम अभी करना चाहिए, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं। कल क्या होगा किसी को मालूम है? कोई भरोसा नहीं। कल का छोड़ो, अब का किसी को भरोसा नहीं। शाम तक कैसा रहता मालूम है? नहीं मालूम। कोई भी पल प्रलय आकर सब कुछ नष्ट हो सकता है। प्रलय में बोले ना, कोई भी पल कुछ ना कुछ प्रलय आता और सब कुछ नष्ट हो जाता। फिर तुम कब काम करोगे? अर्थात अब हमारे पास जो समय है, मतलब काम करना मतलब हमारे पास जो समय है, वो समय को सदुपयोग, अच्छे से उपयोग करना चाहिए, तभी तो जीवन में सफलता मिलती। क्योंकि अगले पल क्या होने वाला किसी को पता नहीं। बोले ना, समय वेस्ट ऑफ टाइम नहीं करना, समय को अच्छे से यूटिलाइज कर लेना, सदुपयोग कर लेना, क्योंकि नहीं मालूम कल क्या होने वाला है, नेक्स्ट मिनट क्या होने वाला है, किसी को नहीं मालूम। इसलिए बोलते काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होए को बहुरी करे को कब। देखो बच्चों, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होए गो बहुरी करे गो कब। मतलब कबीर दास जी कहते हैं, कभी भी काम को कल के लिए टालना नहीं चाहिए, टालना नहीं चाहिए। कल का काम आज, आज का काम अभी करना चाहिए, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं। कोई भी पल प्रलय आकर सब कुछ नष्ट हो सकता है। फिर तुम कब काम करोगे? अर्थात अब हमारे पास जो समय है, उसका सदुपयोग करके जीवन को सफल बनाना है, क्योंकि अगले पल क्या होने वाला है किसी को पता नहीं। तो समझ गए बच्चों, कबीर दास जी बोलते हैं, काल करे जो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय आवे गो बहुरी करे गो कब। मतलब कल करने का काम आज करना है, आज करने का काम अभी करना है। नहीं मालूम कब प्रलय आ सकता है। अगर प्रलय आके सब नष्ट हो गया तो क्या हम कुछ कर सकते? नहीं। इसका मतलब ये है कि समय का अच्छे से उपयोग करना चाहिए। कोई भी काम को बाद में करेंगे, चलो शाम में करेंगे, टालना नहीं चाहिए, समय को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। ओके बच्चों, इससे तुम लोग अपने संतवाणी का लेसन खत्म हो गया। कल मैं रहीम के दोहे लिखो, बोले ना आपको तुलसीदास के दो दोहे लिखिए, रहीम के दो दोहे लिखिए। तो आज क्लासरूम में राइट ऑफ टुडे से कबीर दास को के डाल के पेज नंबर 34 कबीर दास के 1-2 दोहे है ना, 1-2 दोहे कबीर दास के दोहे, और 10th क्लास में लिखो। समझ गए? आज का डेट डालो, कबीर दास हेडिंग लगाओ, ये कबीर दास के आज में जो बोले ना दो दोहे, ये दो दोहे अच्छे से लिखो। कौन से दोहे बोले मैं? दुर्लभ मानुष जन्म है देखना बार बार, तरवर जो पत्ता झड़े बहुरी नाल लागे डार। दूसरा वाला, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होए तो बहुरी करे तो कब। समझ गए? ये दो दोहे भाव के साथ बच्चों, भावार्थ भी लिखना है। दोहा लिखो, भाव लिखो, दोहा लिखो, भाव लिखो, अच्छे से नीति क्लासवर्क में लिख लो। कल मैं टेक्स्ट बुक कराते हूँ। ओके बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। थैंक यू।